दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप TET पास कर चुके हैं और नियोजन टीचर के लिए आपने आवेदन किया था और उस मेरिट लिस्ट में अगर कोई गलती हो चुकी है तो उस पर आपत्ति दर्ज करके किस तरह सुधार कर सकते हैं। अगर आपने TET पास कर लिया था और नियोजन शिक्षक बनने के लिए आपने हर पंचायत और हर ब्लॉक में जाकर आवेदन किया था टीचर के लिए और उसका मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। मेरिट लिस्ट आप अपने ज़िले की वेबसाइट से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर उस मेरिट लिस्ट में कुछ गलती है, जैसे कि आपका कैटेगरी गलत हो चुका है या मार्क गलत हो चुका है, तो उसको किस तरह आप आपत्ति दर्ज करके ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिपुर, आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर आप क्लास 6 से 8 के टीचर के लिए आवेदन किए थे तो आपको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर क्लास 1 टू 5 के लिए आवेदन किए थे तो आपको ये इस वाले सिलेक्ट करना है। क्लास 1 टू 5 के लिए अगर किए थे तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियोजन 2019-20 के वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को नियोजन प्रक्रिया है, ठीक है, नियोजन प्रक्रिया जो था उसका या देख सकते हैं। और बंदिक मेगा सूची पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने आपत्ति दर्ज कर दिया, उसमें भी आपको कुछ गलती हो गया आपसे आपत्ति दर्ज करने में, तो आपको इससे यहाँ से आपत्ति को भी आप सुधार कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे 1 to 5। अगर आप 6 to 8 कर रहे हैं, 6 से 8 तक आपको ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलिए 1 to 5 करेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करें कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपका जिला पूछेगा, जो भी आपका जिला है वो जिला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपका प्रखंड, यह ठीक है, मतलब किस प्रखंड से आपने आवेदन किया था। जैसे इस जिला से आपने आवेदन किया था और इस प्रखंड में आवेदन किया था, ठीक है, तो वो प्रखंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखते कह रहा है पंचायत, किस पंचायत में आपने आवेदन किया था वो आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ बहुत सारे पंचायत आ जाते हैं, अगर आपका इस ब्लॉक में इस पंचायत नहीं आ रहा है, जैसा कि आपने ब्लॉक में ही आवेदन किया था, मतलब कि प्रखंड में, ठीक है, जैसे कि इस प्रखंड में आपने आवेदन किया, पंचायत में नहीं किया, इस प्रखंड में किया था, तो इस प्रखंड का नाम अगर इस पंचायत के लिस्ट में नहीं आ रहा तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इस ज़िला में इस प्रखंड से आपने आवेदन किया था, अगर कोई पंचायत से किया था, कौन सी पंचायत से किए थे वो देंगे। अगर वो पंचायत आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ अगर औपबंधिक मेगा सूची का क्रम से क्या आपका जो मेगा सूची जारी हुआ तो उसमें कितने नंबर क्रम सीरियल नंबर कितना में आपका नाम वो देंगे। उसके बाद अंग्रेजी में अभ्यर्थी का फुल नेम, उनके फादर्स का फुल नेम। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का फुल नेम आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे आधार नंबर देंगे। देखिए आधार कार्ड में जो नाम है, अगर वो देख सकते आधार कार्ड में जो नाम था वो नाम दे दिए, आधार नंबर दे दिए, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई आधार पे क्लिक कर, तो उसके बाद देख सकते हैं ये आधार के साथ ये नाम मैच कर गया, ये हारा हो गया। उसके बाद कह रहा आप जो इस जिला में, इस प्रखंड में, इस पंचायत में आवेदन किए थे वो किस सब्जेक्ट से किए थे। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा, उर्दू, सामान्य, बांग्ला, जो भी सब्जेक्ट किए थे वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे OTP प्राप्त करें भी क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर देंगे, OTP सत्यापन पर क्लिक करेंगे। उसी तरह ये जिस तरह ये हारा हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, वो ये भी आपको ग्रीन हो जाएगा OTP सत्यापन के बाद। उसके बाद यहाँ पे लिखना है क्या चीज़ गलती है, जैसे कि आप किसी अदर कैटेगरी से थे और मेरिट लिस्ट में किसी अदर कैटेगरी कर दिया, मार्क कम कर दिया गया, जो भी कारण है वो कारण आपको यहाँ पे अपलोड करना लिखना होगा, जो भी कारण वो कारण आपको यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपका कैटेगरी जनरल दे दिया गया, सामान दे देगा, अगर EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी, या अगर आपका मार्क कम है तो उसका सही मार्क वाला जो सर्टिफिकेट होगा, जो प्रूफ होगा वो अपलोड करना है, जो कि 400 KB से कम होनी चाहिए, PDF में होना चाहिए। जो चीज़ सुधार कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे आप कैटेगरी सुधार करना चाहते हैं तो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि SC ST, जो भी जाति प्रमाण पत्र हो, EWS, जो भी सर्टिफिकेट हो, उसको आपको अपलोड करना है PDF में। अगर आपका मार्क में गलती हो चुकी है तो उसको मार्क का प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा PDF में। उसके बाद स्क्रिप्चर को
इस कैप्चर के इस बॉक्स में इंटर करें, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको रिसिप्ट जनरेट करके दे दिया जाता है। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट करके रख सकते हैं अपने पास। उसके बाद अगर आपत्ति आपने दर्ज कर दिया उसमें भी अगर गलती हो गई तो आपको दो नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपत्ति जो दर्ज की आप उसे सुधार कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर देंगे, जब आप सबमिट किएंगे तो आपको रिसिप्ट जनरेट करके दिया होगा, उस पर रेफरेंस नंबर को यहाँ पे देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अपडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो डिटेल आपने पीछे फिलअप किया सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया जो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे देख सकते, जो भी डिटेल चेंज करना वो उसको चेंज करेंगे। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में आपने सीखा किस तरह नियोजन शिक्षक का जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो गलती हो गया उसमें किस तरह आपत्ति दर्ज करते हैं, किस तरह आपत्ति सुधार करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।